आपके पीएफ अकाउंट में दिवाली से पहले आने वाला है पैसा। इन तरीकों से जल्दी चेक करें अपना बैलेंस और पाइए लाभ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तीर के निशान से हमारे वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। ईपीएफओ दिवाली से पहले आने वाला है पैसा, जल्द चेक करें अपना अकाउंट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके टू न्यूज में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने 6 करोड़ अंशधारकों को दिवाली से पहले तोहफा दे सकता है। आपके पीएफ खाते में ब्याज की पहली किस्त जल्द ही ट्रांसफर होने वाली है। ईपीएफओ ने कहा था कि वो सदस्यों को वित्त 2019-20 के ब्याज को 2 किस्तों में देगा। ईपीएफओ को 8.50% की दर से पीएफ का ब्याज देना है। वह पहले किस्त के तहत 8.15% का ब्याज देगा और दिसंबर तक 0.35% का भुगतान करेगा। ऐसे में ब्याज की पहली किस्त दिवाली से पहले आपके पीएफ खाते में ट्रांसफर हो सकती है। आइए जानते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन पासबुक चेक कर सकते हैं कि पीएफ आपका ब्याज आपके खाते में आया है या नहीं आया है। ऐसे जान सकते हैं ऑनलाइन पासबुक में अपना बैलेंस। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है epfindia.government.in। यहां जाकर आपको पासबुक पर क्लिक करना होगा। पासबुक पर क्लिक करने के बाद एक नया होम पेज खुलकर सामने आ जाएगा। वहां पर आपको passbook.epfindia.government.in पर आ जाएंगे। यहां आपको अपना यूजर नेम यानी UAN नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा। सभी डिटेल भरने के बाद एक नए पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ आपको मेंबर आईडी का चुनाव करना होगा। यहाँ ई पासबुक पर अपना ईपीएफ बैलेंस मिल जाएगा। उमंग ऐप पर भी चेक कर सकते हैं बैलेंस। अपना उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नर्स को खोले और ईपीएफओ पर क्लिक करें। आपको अन्य पेज पर एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस पर क्लिक करना होगा। यहाँ व्यू पासबुक पर क्लिक करना होगा और अपना यूएन नंबर और पासवर्ड ओटीपी नंबर भरना होगा। ओटीपी आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको पैन आधार कार्ड से नियमों में हो गया है अहम बदलाव। यहाँ भी आपको आधार कार्ड देना होगा। एक SMS से पता करें अपने पीएफ के खाते का बैलेंस। अगर आपका यूएन नंबर ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड है तो आपको लेटेस्ट योगदान और पीएफ बैलेंस की जानकारी एक मैसेज के जरिए मिल सकती है। इसके लिए आपको इन नंबरों पर मैसेज करना होगा। 1738-299-899 ये लिखकर आपको भेजना होगा। ईपीएफओ HOUN इंग्लिश आखिरी 3 अक्षर भाषा के लिए है। अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो आपको ईपीएफओ HOUN हिंदी लिखकर भेज सकते हैं। यह सेवा अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली में उपलब्ध है। ईपीएफओ अपने पास मौजूद सदस्यों की जानकारी आपको भेजता है। इस लिहाज से जरूरी है कि आपका यूएन बैंक अकाउंट पैन और आधार से लिंकेड हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने नियोक्ता से इसे लिंक करने के लिए कहें। ईपीएफओ की वेबसाइट यूनिफाइड पोर्टल की जगह यूजर अब पीएफ का पासबुक एक अलग से वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ट्रांसफर जैसी सुविधा के लिए हालांकि यूनिफाइड पोर्टल का यूज मिस कॉल के जरिए। अगर आप यूएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-229-014-06 पर मिस कॉल कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफओ से एक संदेश मिलेगा जिसमें आप या पीएफ खाते की डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ भी हालांकि जरूरी है कि यूएन से आपका बैंक अकाउंट या पैन या आधार लिंकेड हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।